हेलो फ्रेंड्स, आज हम ना सूजी के हलवा बनाएंगे अलग तरीक़े से। इसके लिए 200 ग्राम सूजी लिए हैं। जिस बॉल से सूजी लिए बस उसी बॉल से दूध लेंगे। लगभग अब इसे ना कुछ देर के लिए भिगो के रख देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट। इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अभी भिंगो करके छोड़ दे रहे, अब चलिए अलग दिखाते हैं। अब एक पैन लेंगे, इसमें देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। पहले ड्राई फ्रूट को कटी हुई ड्राई फ्रूट को डाल देंगे और थोड़ी सी फ्राई कर देंगे 2 मिनट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर कितना अच्छा आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसमें 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। इसका थिकनेस देखिए कितना अच्छा हो गया है। एकदम चिकटा हो गया है। चलिए इसे घी में कम आंच में एकदम भूनेंगे। ये ना एक तरह से एकदम अलग टेस्ट आएगा आपको, बहुत ही अलग। ना हम चलाते रहेंगे, मैशर से थोड़ी सी मैश कर लेंगे इसको, क्योंकि गुठली नहीं है। दूध में इसको भिंगो दिए थे इसलिए गुठली आने का भी चांस रहता है। इसको इस तरह से एकदम मीडियम आंच में से धीरे 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 लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे भून लेंगे। जब ये घी छोड़ देगा इस तरह से, इसमें लगभग 1 चम्मच बेसन मिलाएंगे। फ्रेंड्स, सूजी है ना इसीलिए देखिए भरभरा हो गया है। इसमें भी चीनी डालेंगे, लगभग ये भुना चला है।
चीनी, अब हम जिस बॉल से सूजी लिए थे दूध लिए थे उसी बॉल से चीनी डाल देंगे, लगभग एक बॉल। एक से दो मिनट चला लेंगे। अब इसमें पानी मिलाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है, घी छोड़ दिया साइड साइड से। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़ी सुधारने के लिए गार्निश के लिए। इसमें एक चम्मच ऊपर से देसी घी डाल देंगे। देख सकते कितना सुंदर लग रहा है, खुशबू भी इतना अच्छा आ रहा है। इसमें एक चम्मच इलायची कुटी हुई डाल देंगे।